नमस्कार, फोरसाइट्स टीवी में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुरुवार को एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अफ्रीका महाद्वीप के लिए $51 बिलियन की फंडिंग का वादा किया है। कर्ज में डूबे लेकिन संसाधन समृद्ध अफ्रीका महाद्वीप में चीन ने 3 गुना अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और इससे 10 लाख रोजगार पैदा करने का वादा किया है। बीजिंग में चीन अफ्रीका सहयोग शिखर सम्मेलन के दौरान जिनपिंग ने ये घोषणा की है। चीन के राष्ट्रपति ने वित्तीय सहायता के तौर पर करीब 360 बिलियन युआन देने का वादा किया, लेकिन ये भी साफ कर दिया है कि इसमें 210 बिलियन युआन क्रेडिट लाइन के जरिए दिया जाएगा और कम से कम 70 बिलियन युआन का निवेश चीन की कंपनियां करेंगी, जबकि सैन्य सहायता और अन्य परियोजनाओं के जरिए छोटी राशि प्रदान की जाएगी। इससे पहले डकार में 2021 के चीन अफ्रीका शिखर सम्मेलन में चीन ने कम से कम 10 बिलियन निवेश और 10 बिलियन क्रेडिट लाइन का वादा किया था। इस बार ये वित्तीय सहायता युआन में होगी, जो चीन करेंसी युआन को और अधिक अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए एक बड़ी कोशिश है। चीन ने पिछले साल भी अफ्रीका को $4.61 बिलियन का कर्ज दिया था, जो 2016 के बाद पहली वार्षिक वृद्धि थी। लिहाजा विश्लेषकों का मानना है कि चीन अपने डेब्ट ट्रैप को और बढ़ा रहा है। माना जा रहा है कि अफ्रीका उसके कर्ज जाल में फंसने वाला नया शिकार है। इससे पहले भी कई देशों को चीन इसी तरह की वित्तीय सहायता देकर अपने जाल में फंसा चुका है। दरअसल चीन दुनिया के सबसे बड़े कर्ज देने वाले देशों में से एक है। चीन लगातार गरीब और पिछड़े देशों को विकास के नाम पर भारी रकम राशि कर्ज देकर उनका हितैषी दिखने की कोशिश करता है, लेकिन ये देश धीरे धीरे उसके डेब्ट ट्रैप में फंसते जाते हैं। वर्ल्ड बैंक के डाटा के मुताबिक वर्ष 2010 से 2020 के बीच निम्न और मध्यम आय वाले देशों को दिए गए इसके कर्ज में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। 2020 के अंत तक ये रकम $170 बिलियन तक पहुंच गई है। चीन के कर्ज ट्रैप में वैसे तो दुनिया भर के कई देश फंसे हैं, लेकिन इसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, केन्या, मंगोलिया, जाम्बिया जैसे देश प्रमुख हैं। माना जाता है चीन पहले तो गरीब देशों को कर्ज देता है और फिर जब ये देश चीन के भारी भरकम कर्ज को चुकाने में असमर्थ होते हैं तो उन्हें अपने देश की प्रमुख संपत्तियों से नियंत्रण छोड़ना पड़ता है। ये संपत्तियां रणनीतिक तौर पर चीन के लिए काफी अहम होती हैं और चीन इसके जरिए खुद को मजबूत और ताकतवर बनाता जा रहा है।
खास खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।